एके मिश्रा जी, आप राजनीतिक सलाहकार हैं, आप लगातार ये बात कहते रहे कि उपचुनावों में लोकल फैक्टर फर्क डालते हैं, क्या यही बात योगी जी भी कह रहे हैं? अच्छा एके मिश्रा साहब, इन दावों में दम कितना है? स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एके मिश्रा जी लगातार हमारा ज्ञान वर्धन कर रहे हैं और उन समीकरणों पर हम बात कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर इस जीत को रचा गया है। एके मिश्रा जी, तो वहीं ज्यादा चर्चा के लिए यहाँ पर राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे और हमारे साथ हमारे राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर देखा जाता है हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में एके मिश्रा जी हमारे राजनीतिक सलाहकार लगातार बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, क्या लगता है अगर पर एके मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं? जी एके मिश्रा जी, यहाँ आप बता रहे थे कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती तो रिजल्ट कुछ और होता। अपनी बात एके मिश्रा हमारे राजनीतिक सलाहकार लगातार हमारे साथ बने हुए नोएडा स्टूडियो में। ऐसे में हमारे साथ एके मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से, और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा स्टूडियो में आ चुके हैं। मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं आप एके मिश्रा जी राजनीतिक सलाहकार? एके मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले आपसे रिएक्शन जी। एके मिश्रा जी, ये जो इस वक्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हमने बात की दोनों ही पार्टियों से, सभी आश्वस्त हैं, लेकिन परिस्थिति क्या कहती है? अगर आप नितिन अग्रवाल का वोट देखें, अगर आप अनिल सिंह का वोट देखें और राजा भैया को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। सवाल ये भी है, सीएम से मिलने के बाद जब राजा भैया बाहर आए, उन्होंने कहा कि जो मैंने ट्वीट में कहा था वही मैंने किया भी है। मिश्रा जी, इस पर मैं और हमारे राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा लगातार बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी हमारे बीच हैं।